वेलकम टू फूड लॉजिक। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या गेट्स का गुलाब जामुन क्रीम में बीट कर पाएगा अमूल गुलाब जामुन को टिंड वाला। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका द फूड लॉजिक के एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में जैसा कैरन बताया, आज गुलाब जामुन वीडियो होने वाला है। त्योहार का समय है और मीठा मुंह मीठा करना तो बनता ही है। बस हम लोग को ये देखना है कि घर में बनाना किफायती और अच्छा पड़ेगा या फिर बाजार से टिन खरीदना या फिर फ्रेश वाला हम लोगों ने खाया हुआ है तो वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। टिंड वाला नहीं खाया है और प्रीमिक्स वाला भी बहुत कम खाया है एक्चुअली। हाँ, अच्छा बना हुआ उल्टा सीधा हो जाता है बट टिंड वाला काफी अच्छा रहता है। जस्ट द पॉइंट कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में रहता है। एग्जैक्टली, तो दोनों एक्सट्रीम्स में है। एक किलो है, 16 पीसेस यहाँ लिखा है और ड्रेन्ड वेट लिखा हुआ है, मतलब अगर इसका सीरा वीरा हटा दे तो 470 ग्राम्स है। 16 पीसेस कितना? 250 रुपए, 15 रुपए पर पीस पड़ेगा और ये 80 रुपए का आता है आपका। इसमें 20 पीस टाइप निकलता है ऐसा लिखा है यहाँ पे, बट हमने बनाया तो 15 टाइप निकला, तो पकड़ लीजिए 6-7 रुपए आपको इसको पीस पड़ेगा। और यहाँ पे आपको घर में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बट यहाँ पे नहीं। तो हम लोग आज के वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे कि भाई कौन सा मंगाना बेटर रहेगा। तो जल्दी से इस मीठे रिव्यू को शुरू करते हैं, बट इससे पहले द फूड लॉजिक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उस बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग और डिलीशियस फूड रिव्यूज आप तक तुरंत पहुंच जाए। और हमारे वेबसाइट foodlogic.in को जरूर चेकआउट करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहां पे हमारे एकदम क्यूरेटेड लिस्ट है जितने भी हम लोगों ने रिव्यूज करा है, वहां पे पूरा आपको निचोड़ मिल जाएगा उसका। वहां जाके आप बाई भी कर सकते हैं तुरंत, बेस्ट बाइंग लिंक्स के साथ है वो, तो आपके कन्वीनियंस के लिए पूरा वेबसाइट बना हुआ है, उसे जाके चेकआउट करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा, बेस्ट बाइंग लिंक प्लस वो वेबसाइट पूरा लिंक सब है वहां। या तो URL में जस्ट टाइप करिए www.thefoodlogic.in। याद रखिएगा गुलाब जामुन तो गेट्स का ऐसा बना है, इसका पूरा प्रॉपर रेसिपी है हमारे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा बना है, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मेरे से बनेगा। हाँ, बट मतलब अच्छा प्रीमिक्स बनाता है। हाँ, इतना तो बोला जा सकता है। एग्जैक्टली, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा बेंड करके। ये घी में छना हुआ है, इसमें लिखा है कि पूरा खोआ से बना हुआ और प्योर घी में। भाई स्मेल, इसका स्मेल मेरे को लग रहा है कि नहीं गुलाब जामुन ये है। गलत टक्कर ले ली, टक्कर गलत है। पर एक बात है, लाइक सॉफ्ट हुआ है ये भी, बना बहुत अच्छा है, क्योंकि घर में ऐसा गुलाब जामुन मुश्किल से ही बनता है। अरे अच्छा है भाई, अगर इसी को घी में तले होते खराब तो नहीं लगता एकदम भी नहीं। इवन चाशनी इसका बहुत पसंद आ रहा है मेरे को। गुलाब जामुन एकदम पसंद है नहीं मेरे को, लेकिन मेरा बना हुआ अच्छा लग रहा है। मेहनत लगा ना भाई। अब थोड़ा सा इसका टेक्सचर भी देख लेते हैं। खोआ दिख रहा है, टेक्सचर जहां तक बात रहा 19-20 नहीं 18-20 टाइप का है। और ये थोड़ा शैलो फ्राइड है या थोड़ा डीप फ्राई हो गया है? हां कलर हो गया है। चले सोचने का क्या है। नहीं देखो अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, पर मैंने जो मतलब हल्दीराम्स वगैरह का खाया है गुलाब जामुन, उससे थोड़ा इन्फीरियर है। मेरे को लगता है एक बार टिंड वाला करना चाहिए। हल्दीराम्स आ गया, ये आ गया, गिट्स आ गया, और एक दो ब्रांड्स हैं, प्रभुजी का भी आता है, बीकाजी है, भीकाराम चंदमल का भी आता है, और एक दो ब्रांड है लाल, अभी सोन पापड़ी का भी हम लोगों ने किया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो उसका रिव्यू। हाँ, सोन पापड़ी का रिव्यू अच्छा है, बट पता है लाइक इससे बेटर गुलाब जामुन मैंने खाया है। और अगर तुम इसी का टेस्ट लाइक बस इसको घी में इमेजिन करो, मैं तो वही बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज अमूल आ गया है सामने और वो बना बनाया है, तो मेरे को टक्कर थोड़ा भारी अमूल का ही लग रहा है फॉर ऑब्वियस रीजन। और टेक्सचर मैं दिखाता हूँ, पता नहीं आपको टेक्सचर दिख रहा है कि नहीं, मैं अमूल का दिखाता हूँ, ये है इसका और अमूल का, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वही ना, अगर इसको बस घी में बनाते तो बहुत ही सुंदर टर्न आउट करता, मतलब जितना अमूल है। ये खाते ही तुम ये खाओ, वही मैं कर रहा हूँ भाई। अगर आपको बनाने का मन है आप गेट्स का लेके बना सकते हैं, नो इश्यूज, अच्छा अच्छा लग रहा है मेरे को। अगर अपना पॉइंट है कि घर पे गेस्ट आ गए हैं और बहुत सारा गुलाब जामुन चाहिए तो ये फीजिबल नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर बजट भी कॉन्स्टेंट में रखना है तो अगर आपको मान लीजिए बहुत सारे गुलाब जामुन 50-60 पीस बनाना है या फिर जो भी करना है थोड़ा बल्क में, तो गेट्स भाई 80 रुपए में आपको लगभग 15 निकाल के दे देगा।
हाँ। और काफी अच्छे से आप बना सकते हो और उतना भी टफ नहीं है, मैं बना सकता हूँ तो शायद कोई भी बना सकता है मेरे को। हाँ, इस बात पे तो यकीन आ गया है। हाँ, मैं तो इसको भी मैं अप्रूव कर सकता हूँ एकदम, इसको भी अप्रूव कर सकता हूँ बिकॉज इसके सामने ये टिक जा रहा है, वही अपने आप में बहुत बड़ा बात है। लाइक एज एन अपने वजह से ऐसा हाँ। भी नहीं कि लाइक अगर ये दोनों एक एक बराबर प्लेटफॉर्म में उतारा जाए तो ऑब्वियसली यही जीतेगा। हाँ, बट ये प्रोडक्ट भी तो वैसा हाँ, है, अप्रिशिएट करना चाहिए ये वाला चीज को। और पता नहीं अमूल का प्रीमिक्स आता है या नहीं, उसका भी एक बार रिव्यू करना होगा, इसका और टिंड वाले का गेट्स का। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में बताएं, कमेंट्स में और टिंड वाला चाहिए कि नहीं वो भी बताएं। तो ये था हम लोग का रिव्यू ऑन प्रीमिक्स वर्सेस टिंड गुलाब जामुन, गेट्स वर्सेस अमूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ वैल्यू मिला है या फिर आपको हेल्प किया है किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ एक लाइक छोड़ दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने स्वीट लविंग फ्रेंड्स के साथ और जो दिवाली में इधर उधर गिफ्ट करना चाहते हैं, यू नो दे नो व्हाट टू प्रिपेयर और व्हाट टू ब्रिंग टू देयर होम फॉर देयर गेस्ट्स। और कमेंट्स में बताइए जो आर्यन ने बताया है कि अगर आपको कैसा वीडियो चाहिए वो आप बताइए, हम लोग ले आते हैं, एकदम ले आएंगे। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव फूड रिव्यू में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा खुश रहें।